लोगों ने 5G फोन्स ले तो लिया है, लेकिन 5G नेटवर्क आने के बाद 5G सिम कैसे मिलेगी तथा नए 5G सिम कार्ड पर अपना पुराना नंबर कैसे चलाए, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 5G इन इंडिया अब हकीकत बनने जा रहा है। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पहले ही अपने अपने 5G स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण कर चुकी है तथा सफलतापूर्वक 5G ट्रेल्स भी पूरे कर चुकी है। मोदी की अनाउंसमेंट के साथ ही टेलीकॉम बाजार में सबसे पहले 5G सर्विस लाने की रेस भी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि रिलायंस जियो और एयरटेल कोई 5G सर्विस से जुड़ी बड़ी घोषणा कर दे। 5G स्मार्टफोन पहले ही बाजार में अपनी जगह बना चुके हैं और सर्विस चालू होते ही लोग सुपर फास्ट 5G इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। बहुत से लोगों ने 5G फोन्स ले तो लिया है, लेकिन 5G नेटवर्क आने के बाद 5G सिम कैसे मिलेगी तथा नए 5G सिम कार्ड पर अपना पुराना नंबर कैसे चलाया जा सकेगा, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर आप भी 5G सिम कार्ड को लेकर जिज्ञासा रखते हैं तो आगे हमने 5G सिम से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। कैसी होगी 5G सिम? इस वक्त मार्केट में 2G, 3G और 4G तीनों तरह के सिम कार्ड मौजूद है। फीचर फोन्स में जहां 2G सिम चल रही है, वहीं स्मार्टफोन यूजर्स 3G और 4G दोनों तरह के सिम कार्ड चला रहे हैं। यह जानकर आपको राहत मिलेगी कि 5G सिम भी मौजूदा 4G सिम जैसी ही होगी तथा उसके साइज या शेप में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अभी जिस भी कंपनी की 4G सिम चला रहे हैं वह 5G नेटवर्क भी पकड़ सकेगी। हालांकि ऐसा कैसे होगा, यह जानकारी हम आगे इस वीडियो में देंगे। किन मोबाइल फोन्स में चलेगी 5G सिम? आपको बता दूं कि 5G सिम को आप सिर्फ 5G फोन पर ही चला पाएंगे। इंटरनेट पर कई वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि 4G मोबाइल में भी 5G सिम चलेगा, पर ये दावे फेक हैं। इन वीडियोज में यह कहा गया है कि जब 4G लॉन्च हुआ था तो 4G सिम 3G फोन में भी काम कर रहे थे, परंतु यह सच्चाई नहीं है। 2G फोन में 4G सिम लग तो जाते थे, लेकिन उस पर सर्विस 2G की ही मिल रही थी। वहीं यदि जियो की सिम 2G या 3G फोन में लगाते थे तो काम भी नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनियां 4G के साथ 2G और 3G सर्विस भी प्रदान कर रही थी, जबकि जियो के पास सिर्फ 4G सर्विस ही थी। हालांकि 5G के लिए भी ऐसी सर्विस मिलेगी। आप 4G फोन में 5G की सिम लगा सकते हैं, लेकिन सर्विस 4G ही मिलेगी। चूंकि जियो की 4G सर्विस है, इसलिए इस बार एयरटेल और वी के साथ जियो का सिम भी चलेगा। 4G सिम पर ही मिलेगी 5G सर्विस या नई सिम की होगी जरूरत? आज स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 4G सिम पर ही 5G सर्विस मिलेगी या फिर इसके लिए नई सिम लेने की जरूरत है। तो आपको बता दूं कि यह ऑपरेटर पर निर्भर करता है, क्योंकि सिम की तकनीक कुछ भी नहीं होती है। सिम के माध्यम से आपको सिर्फ एक यूनिक आईडी दी जाती है और उसी आईडी के हिसाब से आपके नंबर पर प्लान एक्टिव किया जाता है। इस बारे में इंडिया के मशहूर मोबाइल इंजीनियर अर्शदीप सिंह निप्पी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 4G सिम पर 5G सर्विस दी जा सकती है यदि सिम फ्यूचर रेडी हो। इसके लिए नई सिम की जरूरत ही नहीं है। यदि सिम फ्यूचर रेडी नहीं भी है तो भी ऑपरेटर्स OTA अपडेट के माध्यम से उसे अपग्रेड कर सकते हैं। उनका कहना है कि सिम तो सिर्फ आइडेंटिटी नंबर होता है, इसकी अपनी कोई तकनीक नहीं होती है। यदि सिम में तकनीक होती तो फिर बिना सिम वाले फोन जो सिर्फ ई सिम पर काम कर रहे हैं, उन पर कैसे 2G, 3G, 4G या 5G सर्विस मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले सिम के साथ टूल किट आता था, जिससे कि उसे कोई भी नेटवर्क पर अपग्रेड किया जा सकता था, परंतु सिक्योरिटी के लिहाज से उसे अब हटा दिया गया है। बावजूद इसके ऑपरेटर्स के लिए 2G, 3G या 4G सिम पर 5G सर्विस देना कोई बड़ी बात नहीं है। फोन में सिर्फ नेटवर्क बैंड सपोर्ट होना जरूरी है। फोन में कैसे चलाएं 5G सर्विस? जो मोबाइल यूजर्स 5G स्मार्टफोन खरीद चुके हैं, उनके लिए यह राहत की बात है। यदि ऑपरेटर्स चाहें तो मोबाइल फोन में 5G चलाने के लिए उन्हें अलग से 5G सिम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक अपनी 4G सिम पर ही 5G नेटवर्क कनेक्ट कर सकेंगे तथा उसी पर सुपर फास्ट 5G इंटरनेट भी चला सकेंगे। यह अच्छी बात है कि 5G नेटवर्क के लिए जियो, एयरटेल या VI के किसी भी ग्राहक को अपनी सिम या मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या 4G सिम को करना होगा 5G में पोर्ट? यहाँ पर आपको एक बात साफ समझने की जरूरत है कि ऊपर बताए गए पॉइंट में 4G सिम सिर्फ 5G सिम में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसी समय उसमें 5G इंटरनेट चला पाएंगे। यदि आपको अपने मोबाइल नंबर पर 5G सर्विसेज का लाभ चाहिए तो उसके लिए अलग से 5G प्लान्स खरीदना होगा और उस 5G पैक में मिलने वाले बेनिफिट्स के हिसाब से ही आपको 5G सर्विस मिलेगी। ध्यान रहे कि कोई भी 5G प्लान खरीदने से पहले सुनिश्चित कर लें आपकी सिम भी 5G हो चुकी है तथा 5G फोन में ही डली हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आपके क्षेत्र में 5G सर्विस शुरू हो चुकी हो। लेटेस्ट मोबाइल और टेक न्यूज, गैजेट्स, रिव्यूज और रिचार्ज प्लान के लिए आप हमारे यूनिवर्सल प्रीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।